चले आए बदरा गोकुल के द्वारे, मन को रे जाने मलहार गाने। चले आए बदरा गोकुल के द्वारे, मन को रे जाने मलहार गाने। मुरली के थन पर नाच ले बादल, क्यों इतना इतराए, घन घन कर जे गाहे बबर से, सब मिलकर जब पुकारे। परसों आदेश महाराज, गोकुल में उत्सव बनाया जा रहा है, वहां के गोकुलवासी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। लगता है कृष्णा ने फिर से एक बार गोकुल की विपदा का अंत कर दिया। शीघ्र जाओ और उनके इस प्रसन्नता को परम धनु दुख में बदल दो। झील वर्षा के जल से भरने लगी है। यदि कुछ दिन ऐसे ही वर्षा होती रही तो गोकुल में जल की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।
आनंद राज, वर्षा से खेतों में हरियाली छाने लगी और लोगों में खुशहाली। मित्रों, चूंकि इस बार आवश्यकता से अधिक वर्षा के जल को संग्रहित करना है, इसलिए जलाशय का अनुमान लगाना अति आवश्यक है। रमन और मंगल, तुम झील के उस तट पर जाओ और जल का अनुमान लगाओ। जी नंद जी। मैं उस तट पर जाकर जल का अनुमान लगाकर आता हूँ। लाओ ये लाठी मुझे दे दो। थोड़ा सा और प्रयत्न करना होगा, थोड़ा सा और जल के भीतर जाने की आवश्यकता है। माखन छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मगर आसुर तुम मुझे नहीं अपने अंत को बुला रहे हो। गजब हो गया, गजब हो गया यशोदा महल, गजब हो गया। बाहर आइए यशोदा रानी, बाहर आइए। क्या हुआ, आप लोग इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? यशोदा महल, नंदराज झील के किनारे गए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आर्य को तो तैरना भी आता है। नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हाँ भ्राता जी, ऐसे कैसे अचानक अदृश्य हो सकते हैं? दाऊ मुझे जाना होगा। हाँ कान्हा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। संभालो अपने आप को यशोदा, भ्राता जी को कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है भ्राता श्री वही कहीं झील के आसपास ही होंगे। रमन भैया, हमें पुनः वहाँ झील के आसपास भ्राता श्री को खोजना चाहिए, वो हमें अवश्य ही मिल जाएंगे। भाइयों, हम सब लोगों को नंदराज को ढूंढना चाहिए। हाँ, चलो। मैया, मैं भी आऊंगा आपके साथ। नहीं लल्ला, तू और बलराम घर पर ही रुकेंगे। देखो मैया के साथ इतने सारे गांव वाले जा रहे हैं ना बाबा को ढूंढने के लिए, तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यशोदा, सर्वप्रथम तुम खुद को और दोनों बालकों को संभालो। मैं गांव वालों की सहायता से भ्राताश्री को खोजने का कार्य आरंभ करती हूँ। ठीक है जीजी, आप जाइए, मैं शीघ्र आती हूँ। समझती क्यों नहीं कि वहाँ बाबा को बचाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम दोनों इसी कक्ष में रहना, इस कक्ष से कहीं बाहर मत जाना। मैया, मुझे भी बाबा को खोजने जाना है। चुप कर लल्ला, तुझे मेरी सौगंध, तू इस कक्ष से बाहर नहीं निकलेगा। देख लल्ला, मैं पहले तेरे बाबा को लेकर चिंतित हूँ, तू मुझे और व्यर्थ चिंतित मत कर। बलराम, देख अभी तेरा उत्तरदायित्व है कि तुम दोनों इस कक्ष से बाहर नहीं जाओगे, समझा पुत्र? ठीक है मैया। किंतु मैया,
मुझे तो जाना ही होगा। तूने मुझे बंधक क्यों बनाया है? कृष्णा के लिए। लेकिन तुम भयभीत मत हो, मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे पुत्र कृष्णा को मारने के लिए आया हूँ। ये तू क्या कह रहा है दोस्त? मेरे अबोध बालक कृष्णा को क्यों मारना चाहता है तू? ये तुम जान क्या करोगे? बस थोड़ा धीरज रखो, थोड़ी ही देर में तुम्हारा पुत्र तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगा। छोटी मैया ने सौगंध दी है, अब हम बाबा की रक्षा कैसे करेंगे? मैया की सौगंध और बाबा का जीवन, दोनों की रक्षा मुझे ही करनी होगी दाऊ। नंदराज जी। चलो कान्हा, वो दुष्ट मगरासुर से बाबा को छुड़ाते हैं। नहीं दाऊ, उस दानव के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। आप यहाँ मैया और बाकी गांव वालों के साथ रहिए। नंद, देख तेरा पुत्र आ गया है। अब मुझे उसका स्वागत करने तो जाना ही पड़ेगा। तू मेरे बालक को क्यों दंड दे रहा है दोस्त दानव? मगर आसुर, आओ कृष्णा। कान्हा, तू यहाँ क्यों है पुत्र? मुझे क्षमा करना बाबा। मुझे आज तक ये ज्ञात नहीं हो पाया है कि तुम असुर इतना हंसते क्यों हो? असुर जब हंसते हैं, तो मुझे भी उनके साथ हंसी आती है। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें अंत तक ये ज्ञात नहीं होता है कि उनका अंतिम समय उनके सामने खड़ा है। पर तुम असुर लोग होते बड़े कायर हो, तभी तो मुझे सीधे सीधे चुनौती देने के स्थान पर मेरे प्रियजनों को दुखी करते हो। मगर आसुर, तूने मेरे बाबा को यहाँ लाकर अपने अंत को निमंत्रण दिया है। कृष्णा, मेरे क्रोध से तो जल में भी अग्नि भड़क उठती है। अब मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तुम तो बड़े साधारण से असर हो, कुछ तो असरदार करो।